हेलो एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज मैं साइड विजिट कराऊंगा आपको एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट की। बिल्डर की बात करता हूं तो बिल्डर एक ऐसा बिल्डर रहेगा जिसमें कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी आदमी ऐसा नहीं बचा, जिस फैमिली कोई भी फैमिली या कोई भी आदमी ऐसा नहीं बचा हुआ है जिसने कि उस का कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज ना किया हुआ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोदरेज बिल्डर की। गोदरेज बिल्डर का प्रोजेक्ट लोकेटेड है मैन गुड़गांव सेक्टर 3 द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ में। एक तो द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाती है, दूसरा हमारा जो मेन गुड़गांव है, जो ओल्ड गुड़गांव है, उसकी लोकेशन आ जाती है सेक्टर 3। और यहाँ पे अगर बिल्डर की टोटल लैंड की बात करता हूँ तो लैंड आ जाती है 7.5 एकड़ की, जिसके अंदर की जो अपार्टमेंट अभी अवेलेबल हैं 3 BHK प्लस 4 BHK। साइज की अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ 2078 स्क्वायर फीट 3 BHK का मिल जाता है। बाकी 4 BHK की बात करता हूँ 2650 2650 स्क्वायर फीट का मिल जाता है यहाँ पे आपको 4 BHK। कंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ तो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे माई वन कंस्ट्रक्शन रहेगी 100%। और जो सबसे बड़ी चीज़ें बोल रहा हूँ, अल्ट्रा लग्जरी यहाँ पे फैसिलिटीज मिल जाती हैं आपको। फैसिलिटीज मैं एक एक करके बताऊँगा। दो साइज यहाँ पर हमारी अवेलेबल हैं, दो साइज जो मैं बोल रहा हूँ आज की डेट में दो साइज अवेलेबल हैं, जो बाकी साइज हैं वो कुछ सोल्ड आउट हैं यहाँ पर। यहाँ पे अगर फैसिलिटीज की बात करता हूँ, जो यहाँ पे फैसिलिटीज रहेगी, सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे टोटल जो लैंड है वो 7.5 एकड़ है, जिसमें कि नंबर ऑफ जो यूनिट आ जाएंगी 384 यूनिट आ जाएंगी। और यहाँ पे जो फैसिलिटीज बोल रहा था मैं आपको, यहाँ पे क्लब मिलता है आपको, 20,000 स्क्वायर फीट का क्लब मिलता है जो कि 384 यूनिट के ऊपर है। और आपका हाफ ओलंपिक साइज का यहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिलता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है ये, और इसमें जो गार्डन वगैरह मिल जाते हैं वो काफ़ी बड़े साइजेस मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने कंस्ट्रक्शन बोला, कंस्ट्रक्शन माईवान पे। बाकी की जो इसमें फैसिलिटीज आ जाती हैं, यहाँ पे आप क्लब में जाते हो, आपकी मेंबरशिप के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेंसर लगे होते हैं, तो आपके नाम से या आपकी फैमिली में जो भी मेंबर रहते हैं तो उन्हीं के नाम से वो मतलब एंटर हो सकते हैं, या उन्हीं के नाम से या उन्हीं के फेस से वो गेट खुलते हैं। जो इसमें सेकंड फैसिलिटीज आ जाएगी, जैसे कि आपके बच्चे होते हैं घर में या कुछ बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो उनको जैसे कि आप बीच में सोसाइटी में घूमने के लिए जाते तो नीचे जो टावर की यहाँ पे लॉबी होगी, वहाँ पे आपको इस तरह की जो होती वॉच मिलेगी, वॉच में GPS लगा होगा, तो वहाँ से आप घर बैठे आप देख सकते हैं आपका बच्चा या आपके जो फादर हैं सीनियर सिटीजन हैं वो कहाँ पे हैं और किस लोकेशन पे, तो उनको आप ट्रेस कर सकते हो इजीली। तो ये फैसिलिटीज है। और जो बड़े लेवल की कुछ और फैसिलिटीज हैं वो भी मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा। तो अभी ज़्यादा बातें ना करते हुए हम 4 BHK का जो 2650 स्क्वायर फीट का सैम्पल फ्लैट है वो विजिट करते हैं। आइए चलते हैं। 4 BHK सैम्पल फ्लैट गोदरेज हैबिटेट सेक्टर 3, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से ये एरिया आ जाता है एंट्री करने के बाद, फोयर एरिया बोलते हैं जिसको हम। ये लिविंग एरिया आ जाता है हमारा 14x17.1 का, ये लिविंग एरिया है। और फ्री आ जाएगा हमारा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका स्पेस रहेगा 12.8x10.3 का, ये पूरा स्पेस। और सबसे पहले देखते हैं किचन, लिविंग डाइनिंग के बाद ये आ जाएगी किचन। किचन सेम ही रहेगी, 100% मॉड्यूलर रहेगी। ये चिमनी और अपना रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ें इसमें एज इट इज मिल जाती हैं आपको, जो आप किचन देख रहे हैं। अगर किचन के मैं साइज की बात करता हूँ तो किचन का भी काफ़ी अच्छा साइज यहाँ पे निकल के आता है, जिसका एरिया आ जाता है 8.1x11.8 का किचन का, ये किचन आ जाती है। ये रेफ्रिजरेटर वगैरह यहाँ पर मिली आपको मिल जाता है आप, ये रेफ्रिजरेटर है, सेम चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती है। ये सेम जैसे आप देख रहे हो सेम वैसे ही।
और यहाँ पे आप देखते हैं फर्स्ट बेडरूम, ये सबसे पहले वॉशरूम है, यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम है ये। और फिर फर्स्ट बेडरूम के अंदर यहाँ से एंटर करते हैं, वुडन फ्लोर रहेगा ये यहाँ पे पूरा ही। तो इस बेडरूम का जो साइज आ जाएगा वो आ जाएगा 12x12.1 का। ये वुडन फ्लोर रहेगा, इसके साथ में ये बालकनी है यहाँ पे। ये इधर अलमीरा स्पेस है, अलमीरा यहाँ पर कवर्ड जो है बनाए हुए हैं, स्पेस नहीं है यानी कि कवर्ड ही बनाए हुए हैं पूरा, ये पूरे बेडरूम के अंदर तो स्पेस अच्छा है। और ये इधर आ जाती है बालकनी, बालकनी एरिया काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ही बालकनी है ये, अदर बालकनी सराउंडिंग में सभी बालकनी आ जाती हैं, जैसे कि आगे भी आप शीशे में देख रहे हैं सराउंडिंग में बालकनी आ जाएंगी। अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड बेडरूम। ये फर्स्ट बेडरूम से हम निकले और फिर ये ड्राइंग डाइनिंग था, और ये हमारे ड्राइंग डाइनिंग के साथ में यहाँ पे ये एक बालकनी है और एक यहाँ पे वॉशरूम है। ये वॉशरूम है यहाँ पे, ये सेकंड बेडरूम है यहाँ पे, जिसका साइज आ जाएगा 12x13.1। वुडन फ्लोर रहेगा ये भी, और ये यहाँ पे वॉशरूम रहेगा। ये वॉशरूम है और ये बेडरूम जिसका काफी अच्छा साइज है। और ये अटैच में बालकनी यहाँ पे, जिसका भी इसका भी काफ़ी अच्छा साइज आ जाता है बालकनी का यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे हम थर्ड बेडरूम, जिसका कि अगर मैं साइज की बात करता हूँ तो थर्ड बेडरूम का जो यहाँ पे साइज आ जाएगा वो आ जाएगा 11x11x12.11। थर्ड से पहले अभी इसमें थोड़ी सफाई हो रही है, उससे पहले मास्टर बेडरूम देख लेते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे मास्टर बेडरूम में एंट्रेंस करते हैं हम। ये यहाँ पे मास्टर बेडरूम है, जिसके की साइज की अगर मैं बात करता हूँ 12x2x16.2 का जाएगा। ये सबसे पहले वॉशरूम, ये अलमीरा है जो कि काफ़ी अच्छे साइज में है। अलमीरा और ये वॉशरूम, और ये देखो साइज मास्टर बेडरूम का। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, अभी हमारा इसके बाद फोर्थ बेडरूम और बचता है, और ये यहाँ पे आ जाती है बालकनी। सभी बेडरूम के साथ में सराउंडिंग में बालकनी है यहाँ पे।
ये बालकनी, और ये नहीं है कि बालकनी का स्पेस अच्छा नहीं है, काफ़ी अच्छे स्पेस आ रहे हैं यहाँ पे बालकनी के निकल के। अब देखते हैं इसका फोर्थ बेडरूम और लास्ट बेडरूम। इसके भी साइज की बात करता हूँ तो ये कम्प्लीटली 12x13 का आ जाएगा। लास्ट बेडरूम है फोर्थ बेडरूम। ये यहाँ पे वॉशरूम है। ये इधर बालकोनी एरिया है। तो ये होती है यहाँ की आज की विजिट, सैंपल फ्लैट की डिटेल जो है कंप्लीट। ये ड्राइंग डाइनिंग, फिर से आ गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिटेल कंप्लीट होती है। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं हमारी जो ड्रोन की वीडियो है एम्बिनेंस मॉल से, वहाँ से।
सेल के लिए। ये गार्डन्स बनाए हुए हैं, ये इधर कंस्ट्रक्शन है, ये और गार्डन बने हुए हैं यहाँ पे। ये मॉडल है पूरे प्रोजेक्ट गोदरेज हैबिटेट का। ये रेलवे रोड है जहाँ से हमने एंट्री की थी, एंट्री करके पार्क है और फिर टावर स्टार्ट हो जाते हैं, और ये क्लब प्लस टावर और अदर फैसिलिटी जो सोसाइटी की है। तो अभी हमने यहाँ पे सैंपल फ्लैट देखा, और सैंपल फ्लैट 4 BHK प्लस 5 टॉयलेट गुड़गांव के अंदर, मतलब किसी भी सोसाइटी में जाओ तो आपको 4 BHK के साथ 5 टॉयलेट नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मैक्सिमम ग्रीन एरिया है, 55% ग्रीन एरिया है, 4 BHK के साथ में 5 टॉयलेट हैं, गुड़गांव के बिल्कुल दिल में हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे के बिल्कुल साथ में है प्रोजेक्ट, गुड़गांव के दिल में, यानी कि सेक्टर 3। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ सेक्टर 3 में पहला हाई राइज प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन माईवान है, और जो एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है, अल्ट्रा फैसिलिटीज हैं इसमें, जो फैसिलिटीज बढ़ चढ़ के हैं, इस तरह की फैसिलिटीज हैं इसमें, एयर प्यूरीफायर करने वाले अलग अलग कॉन्सेप्ट के इसमें फ्यूचर लगाए हुए हैं, जो कि नॉर्मल बिल्डर या हाई लेवल बिल्डर होते हैं वो जल्दी से चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती है। तो इसमें काफ़ी फैसिलिटीज हैं, अगर मैं फैसिलिटीज गिनाने लगूँगा तो आधे घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो इसकी अदर यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कॉल करें, तो मैं आपको पूरी जानकारी दे सकता हूँ। यदि आप यहाँ पे साइट विजिट करना चाहते हैं तो साइट विजिट आप मुझे कॉल करके साइट विजिट कर सकते हैं। जो मेन मुद्दा है यहाँ पर रेट का, तो रेट आ जाता है यहाँ पर जो आस्किंग है वो है 9,000 रुपये पर स्क्वायर फिट की, माईवान कंस्ट्रक्शन 9,000 पर स्क्वायर फिट की आस्किंग है यहाँ पे, नेगोशिएबल जो होगी वो ऑन टेबल होगी। और 9,000 जो बता रहा हूँ ये ऑल इंक्लूसिव बता रहा हूँ, जिसमें GST EDC IDC सभी तरह के टैक्सेस आ जाते हैं। इसके ऊपर जो आपका रह जाता है केवल आपकी रजिस्ट्री रह जाती है टैक्स के रूप में जो रह जाती है। तो गुड़गांव के दिल में है, चीज़ें अच्छी हैं, अल्ट्रा फैसिलिटीज हैं और अल्ट्रा इसमें फीचर दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो यदि आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो एक बार ये विजिट करें, ताकि पता लग सके कि जो बड़े लेवल की फैसिलिटीज होती हैं वो रियल में होती क्या है। जो सेकंडली जो अपार्टमेंट मिलेगा आपको वो सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल रहा है, जैसे कि वीडियो में अभी आपने देखा था। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, आपका अपना चैनल है सनशाइन कंसल्टेंट, ताकि जो आने वाली चीज़ें हैं सबसे पहले मेरे माध्यम से और चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।